मेरा एक क्वेश्चन है, जो बच्चे ग्रेड 5th, 6th, 7th, 8th में है, उनको DMIT की क्या नीड है? अभी कोई करियर या कोई स्ट्रीम तो उन्हें सिलेक्ट करना नहीं, तो फिर DMIT की क्या जरूरत है? वो क्यों करवाएं DMIT? देखो, पहली चीज, DMIT टेस्ट सिर्फ करियर सिलेक्शन के लिए नहीं होता, ये आपके बिहेवियर, एकेडमिक ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। आपको पता चलता है आपके क्या लर्निंग वे है, क्या आप विजुअल लर्नर हो, ऑडिटरी लर्नर हो, काइनेस्थेटिक लर्नर हो। इन एडिशन, जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात की, ठीक है, वो सब्जेक्ट सिलेक्शन 10th के बाद होना है, बट विद द कमिंग अप ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमें बहुत सारी चीजें स्कूल्स वाले ऑप्शन मांगते हैं राइट फ्रॉम 6th ग्रेड, कि कौन कौन से आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कौन कौन सी फील्ड्स आपने सिलेक्ट करनी है, जो आपको 6th में ऑप्शन देनी होगी। उसको अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बच्चे के लिए उस अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करते हो, तो बच्चे की वो स्किल्स भी आप ग्रो कर पाओगे और आगे चलकर भी बच्चे को बेनिफिट होगा।